हेलो, वेलकम टू माय चैनल सिविल्स गैलेक्सी बाय दृष्टि वर्मा। देखिए, मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। ये जो ऊपर चल रहा है इसमें ये क्या है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि ये क्या है, किस एग्जाम के लिए है और इसका नोटिस भी आया है। तो बहुत सारे बच्चों ने पहले अगर लोअर का एग्जाम भरा होगा, जो लोअर सेकेंड आया था, और उसका फॉर्म फिल किया होगा, बट वो एग्जाम नहीं हुआ है, ये उसी का नोटिफिकेशन है। अगर आपने वो फॉर्म फिल किया है और अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बताती हूँ ये नोटिस संख्या कौन सी है, नोटिफिकेशन संख्या कौन सी है और आपने कब इसका फॉर्म फिल किया था। तो जिन जिन लोगों ने ये फॉर्म फिल किया ये उनके लिए है, जरूर देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि 16 जुलाई को आपका एग्जाम है। तो अभी से बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देती हूँ। देखिए, जब आप यूपी TRLASSE की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये इस तरीके का ये जो है ना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से खोलेगा सॉरी, इस तरीके से नहीं खोलेगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सिविल्स गैलेक्सी बाय दृष्टि वर्मा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हो, जल्दी से बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाले सभी जॉब्स के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंचते जाएं। तो चलिए आज का स्मार्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राधिकारी भारत के उच्चतम न्यायालय से सलाह के रूप में राय प्राप्त करता है? भारत की संसद 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित करके, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, जब आप उस पर क्लिक करेंगे, देखो अब मैं आपको बता दूं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का ये नोटिस खुल जाएगा, ठीक है। तो ये उस टाइप का कुछ खुलेगा। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि ये जो 15 जून की ये सूचना है, ठीक है। तो ये बता दूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या, ये संख्या 22 परीक्षा 2016 द्वारा जो लोअर का परीक्षात्मक 2016 सेकंड के अंतर्गत विभिन्न विभागों की विज्ञप्ति, विभिन्न प्रकार के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 15 जुलाई 2018 रविवार को दो जनपदों लखनऊ और कानपुर, दो पालियों पूर्व 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा अपराह्न 3 से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के संबंधित उक्त अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड करें। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, उससे रिलेटेड उन्होंने ये पाठ्यक्रम भी बता दिया है कि क्या है इसमें, ये इसका जो प्रथम चरण है उसमें क्या है, सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाग 2 में सामान्य ज्ञान, भाग 3 में सामान्य विज्ञान, अंकगणित, योग 150 300 नंबर का, ठीक है। और जो सेकंड होगा वो हिंदी का होगा। फिर उसके बाद जो द्वितीय चरण होगा वो साक्षात्कार होगा। तो प्रथम चरण में हिंदी और ये सब। तो चलिए, इसकी हिंदी की यूपी TRLASSE जो वीडियो है उसकी हिंदी की भी क्लासेस में फटाफट स्टार्ट करने वाली हूँ, तो बिल्कुल स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल। नेक्स्ट है इसमें, देखिए, इसमें उन्होंने आपको सिलेबस भी जारी कर दिया। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, अगर आप वहां तक नहीं पहुंच रहे तो उसकी लिंक अगर आप बोले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण में इसका पूरा आपको विवरण दिया हुआ है कि इसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या है, सामान्य ज्ञान में क्या क्या है, कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर का परिचय। देखिए, इन्होंने सब कुछ बताया इसमें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, ईमेल, इंटरनेट, सबके बारे में पूछ सकते हैं आपके से। यूपी स्पेशल भी आपसे पूछेंगे इसमें, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, कौशल, निर्णय क्षमता, ये सब भी इसमें पूछ सकते हैं। सामान्य मानव व्यवहार, अनुशासन, नैतिकता, नेतृत्व, महिलाओं का सशक्तिकरण, ये सब भी इसमें आएगा। भारत का इतिहास, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, एग्रीकल्चर और जो करंट है, करंट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। सामान्य विज्ञान तथा अंकगणित, तो सामान्य विज्ञान में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सब आएगा, ठीक है, ये सब इसमें आएगा। और अंकगणित प्रारंभिक स्तर की होगी, रेखा गणित, बीज गणित, मतलब ज्योमेट्री भी पूछी जाएगी इसमें और अलजेब्रा भी पूछा जाएगा। ये सब इन्होंने पहले ही बता दिया है, अच्छे से पूरा फुल डिटेल में सिलेबस जारी कर दिया है। और अब बारी आती है सामान्य हिंदी की, ठीक है। अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और व्याख्या, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। शासकीय, अर्धशासकीय, ये सब दिया गया है। शब्द प्रकार, रचना, संधि, विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, ये सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। तो आप हिंदी के लिए भी बहुत अच्छे से तैयार रहें। और देखिए ये है वो उस टाइम का नोटिस जब इन लोगों ने एग्जाम भरा होगा। ऑनलाइन जो आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की जो तिथि थी वो 26/10/2016 थी, ठीक है। उसके बाद 28/10 और जो शुल्क जमा प्रारंभ करने की जो तिथि थी वो 28/10/16 थी। और जो परीक्षा रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि थी 15/11/2016 थी। तो जिन जिन लोगों ने कम से कम इतने 613 पद थे 13 विभागों में, तो जिन जिन लोगों ने ये फॉर्म फिल किया है तो बिल्कुल ही अच्छे से तैयारी में लग जाइए। 15 जुलाई को आपका एग्जाम है। ये इस टाइप के इसमें देखिए पद दिए गए थे अपर जिला सूचना अधिकारी उर्दू और क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी भी दिया गया है इसमें, पुस्तकालय अध्यक्ष, छात्रावास अधीक्षक, प्रूफ रीडर, मोबिलिटी अध्यापक, बहुत सारे सहायक, भंडारी, निरीक्षक, विधिक, माप विज्ञान, कलाकार, अन्वेषण, व्यायाम प्रशिक्षण, सहाय अधीक्षण, इस तरह के बहुत सारे और भी बहुत सारे इसमें जो ये क्या बोलते हैं पोस्ट है निकली हुई थी। तो अगर आपने देखिए प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर फॉरेंसिक, वैज्ञानिक सहायक, भौतिक वैज्ञानिक सहायक, रसायन, तो इस तरह की बहुत सारी पोस्ट निकली हुई थी। और आप देखिए इनका वेतन भी काफी अच्छा है, तो आप देख सकते हैं कि इनका वेतन के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इनका वेतन भी काफी अच्छा है। तो जिन जिन लोगों ने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो लोग बिल्कुल भी देरी ना करें, अभी से स्टार्ट कर लें तैयारी और हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाएं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों तक जरूर पहुंचे जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया है और वो भूल गए हैं। तो बिल्कुल थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्ट। थैंक यू।